आईटी में आने से पहले ज्यादा पढ़ना पड़ता था या फिर अब ज्यादा पढ़ना? ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन पढ़ाई या मौज मस्ती, क्या करना है आप बताइए भाई? पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करना, क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी हमारे आईआईटी बॉम्बे में हमारे पहले मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि बाकी यहाँ पे सारे आईआईटियंस क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी मैं ले जाता हूँ के रूम में। ये देखिए रूम में सभी मिड सेमेस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हो उदित? आप क्या कर रहे हैं अर्णव? देखो भाई लोग, आप ये एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं। देखो भैया, देखो बीजीएम आए। देखो आप लोग, ये जो भैया है ना, जो वीडियो बना रहे हैं, ये टॉपर है, इनके फुल मार्क्स आते हैं। टॉपर ये है ये, और ये हमारे हैंडसम बॉय। बताइए आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम कैसा गया आज का? एकदम हैंडसम। अरे एग्जाम कैसा गया? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। कैसा गया आपका एग्जाम? जैसा गया वैसा गया भाई। आपका कैसा गया एग्जाम? अरे मैकेनिक में तो वाट लगा इलेक्ट्रिकल से। यहाँ वेदांत पढ़ाई करते हुए, मतलब हमारा आज एग्जाम खत्म हुआ तो सब अभी चिल कर रहे हैं। अब जब एग्जाम होगा उससे एक रात पहले सभी पढ़ेंगे। तो हाँ, तो आप बताइए कि आईटी में आने से पहले ज्यादा पढ़ना पड़ता था या फिर अब ज्यादा पढ़ना पड़ता है? अब ज्यादा पढ़ना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, ना पड़ता है। सेम है यार, मेरे तो सेम है। अच्छा आप बताइए हैंडसम बॉय, क्या बदला? तो कुछ ऐसा बोलते थे कि होगा बदला। तो ज्यादा कब पढ़ना पड़ता था, पहले या अब? कंपैरिजन में पहले पढ़ना पड़ता था ज्यादा, क्योंकि पहले कंसिस्टेंट रहना पड़ता था हर दिन। अभी हाँ, नहीं होना पड़ता, अभी सिर्फ एग्जाम के पहले पहले हो जाता है। भाई झूठ है भाई, झूठ बोल रहा है। एग्जाम्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, इजी होते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? पेपर देखो, आप बताइए। अरे आप बताइए, आप बताइए एग्जाम्स में क्वेश्चंस हार्ड होते हैं या इजी होते हैं? मोस्टली मॉडरेट ही होते हैं, कुछ कुछ हार्ड होते हैं। जेई यदि ये हमारे इनसे पूछते हैं तो आप बताइए, जेई में आने से पहले ज्यादा पढ़ना पड़ता था या अब ज्यादा पढ़ना पड़ता है? पढ़ना तो पहले ज्यादा पड़ता था, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ एग्जाम जो होते हैं हार्ड होते हैं, इजी होते हैं, क्या एग्जाम्स के क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है? इजी, हार्ड, मॉडरेट? बॉटम होता है। इतना पढ़े तो जेई में भी नहीं थे, इतना हार्ड जेई में भी नहीं था। अच्छा तो यहाँ पे सबसे सबसे टॉपर आदमी ये है, तो इनके साथ अभी हम कुछ रैपिड फायर राउंड करेंगे। आप इधर आइए, तो मैं आपको कुछ दो ऑप्शन दूंगा, आपको जल्दी जल्दी से जल्दी बताना होगा, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, और आईआईटी और एम्स। आईआईटी एम्स तो क्या ही करूंगा, बायोलॉजी पढ़ा भी नहीं भाई। लड़की या दोस्त? रशिया। अरे पढ़ाई या मौज मस्ती? पढ़ाई। क्या बोला तूने? इसीलिए ये टॉपर है। कोड में प्लेसमेंट या फिर नॉन कोड में प्लेसमेंट, जिसमें मानो अभी तो कुछ पता नहीं, जिसमें मानो उसमें। ऑनलाइन गेम्स या ऑफलाइन गेम्स? ऑफलाइन, क्योंकि मैं स्विमिंग करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब आप कुछ टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो आपके तरह टॉपर बन सके आईटी में आने के बाद भी। पहले तो आईटी क्रैक कर सके उसका टिप्स दीजिए। अरे आईटी तो मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना पड़ेगा और केमिस्ट्री रोज रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा आप बताइए क्या क्या टिप्स देना चाहिए? हाँ यही करिए, तुम्हारा सिलेबस लिमिटेड है, याद रखना। ये बताओ ये कितना है? समझ में आ गया ना, बहुत पढ़ना है, बस थोड़ा ही पढ़ना है तुमको। यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ज्यादा है।
तो सिलेबस के बाहर नहीं जाना, सिलेबस देख रहे हैं क्या क्या करना है आप बताइए भाई। PYQs अच्छे से सॉल्व करना, क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आए आते ही। अब पहली बात है कि IIT बंबई में मत आना, सही बताऊं मैं गलत आ गया। तो तुम ड्रॉप आउट कर लो ना कॉलेज, कॉलेज ड्रॉप आउट। अब ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? घर वाले मार देंगे। बस इस वीडियो के लिए यही था। अभी हमारे मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं तो वीडियोस थोड़े कम आ रहे हैं। मिड सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने सोच के रखे हुए हैं। फिर अगले साल आप आइए IIT बॉम्बे में, हम सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये हैंडसम भैया, ये टॉपर भैया, ये उदित भैया, और इधर ये दोनों मिलेंगे, और ये भी सेकंड टॉपर भैया। देखिए हाथ से भी सेकंड दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाय।